बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने अपने अभिनय करियर में बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से कुछ समय पहले इनकी मूवी दबंग 3 रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी चर्चित रही। लेकिन इन फिल्म से ज्यादा लोग इनकी 2020 की ईद में आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड के सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटेड है, जिसकी शूटिंग जल्द ही खत्म होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2019 से चल रही थी। ऐसे में इनकी अगली फिल्म की कहानी और फिल्म में कौन कौन स्टार कास्ट काम करते हुए दिखाई देंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको भाईजान की अपकमिंग मूवी की जानकारी लेकर आए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई मूवी दबंग 3 जो काफी चर्चा में बना हुआ है। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अभी तक ये मूवी 300 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान, साई मांजरेकर और सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया और सुजीत किच्चा इस रोल में नेगेटिव नजर आए। और अगर देखा जाए तो इस फिल्म को दर्शकों द्वारा भरपूर प्यार दिया गया। लेकिन आपको बता दें, सलमान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। इसी के साथ इनके फैंस भाईजान की अगली मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी अपकमिंग मूवी ईद में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, आपको सलमान खान की फिल्म तेरे नाम तो याद होगी। इस फिल्म को भला सलमान के फैंस कैसे भूल सकते हैं? इस फिल्म के गाने, उनके हेयर स्टाइल, पूरी की पूरी फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी। और अब हम आपको बता दें, इसकी अपकमिंग मूवी राधे में भी आपको सलमान खान की तेरे नाम का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पर हम आपको बता दें कि फिल्म राधे में भाईजान का किरदार कैसा होने वाला है। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सलमान एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये पुलिस वाला अंडर कवर होगा। वांटेड, किक और दबंग 3 में सलमान का काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब इनका सारा फोकस अपने ईद पर आने वाली अपकमिंग मूवी राधे पर है। फिल्म की कहानी को एक अलग मोड़ देते हुए लेखक और निर्देशक ने इस फिल्म में कॉलेज पॉलिटिक्स का एंगल जोड़ा है। यह एंगल फिल्म के बाकी के सीन से अच्छे से रिवील किया गया, जिससे फिल्म में रोमांच और मनोरंजन देखने को मिलेगा। और यह एंगल सलमान खान को भी बेहद पसंद आया और उन्होंने इस एंगल को जोड़ने के लिए हामी भी भर दी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले फिल्म तेरे नाम में भी कॉलेज पॉलिटिक्स का एंगल देखने को मिला था। इस फिल्म में सलमान कॉलेज में सबसे स्टाइलिस्ट और डैशिंग स्टूडेंट होते हैं और उन दिनों इनके हेयर स्टाइल काफी फेमस भी रह चुका है। इस फिल्म में इनका नाम राधे था और यह नाम इनका पर्याय बन चुका है। शुरुआत में मेकर्स को राधे के तेरे नाम के नाम से कुछ कनेक्शन नहीं हुआ। बाद में सलमान ने महसूस किया, तेरे नाम के लिए एक अच्छा काम होगा। जाहिर है, तेरे नाम आपको भाईजान की आने वाली मूवी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस फिल्म में सलमान के साथ एक बार फिर दिशा पटानी नजर आएंगे। दरअसल दिशा अभी तक जितनी भी फिल्मों में नजर आई है, वह सभी फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं। फिर वह बागी 2 या फिर भारत जैसी फिल्में हो, फिल्में इन दोनों के अलावा जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और जरीना बहाव जैसे अन्य कलाकार नजर आएंगे। जैकलिन फर्नांडिस स्पेशल कैरेक्टर में नजर आएंगे। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।